हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। कक्षा 11 की इस बेला में पिछले वाले भाग को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले भाग में हमने न्यूटन के नियमों को जाना था। न्यूटन के नियम में पहला नियम जड़त्व का नियम जाना था, दूसरा बल का नियम जाना था, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जाना था। चलिए आज चलते हैं उसी के न्यूटन के बल का ही एक भाग है, घर्षण बल। घर्षण बल क्या है यह जानेंगे। घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, किस तरह इन बलों को हम संतुलन कर सकते हैं, इन सब बारे में इस भाग में हम इस चैप्टर में हम जानेंगे। बच्चों ध्यान रखेंगे, पढ़ते समय चैप्टरों को क्रम से पूरा पढ़ें, ध्यान से देखें। जहां भी आपको दिक्कत हो समझने में, उस टॉपिक को फिर से उसके वीडियो देखें। फिर भी दिक्कत हो तो आप इसी चैनल पर अपना कमेंट से उस चीज को कंफर्म कर सकते हैं। समय मिलने पर आपकी समस्या का समाधान निश्चित ही रूप से किया जाएगा। चलें घर्षण की ओर चलें। सबसे पहले घर्षण बल क्या है, फ्रैक्शन फोर्स। सबसे पहली बात, घर्षण बल फ्रैक्शन फोर्स क्या है इसको जानें। फ्रैक्शन फोर्स, जब कोई वस्तु किसी समतल तल पर या किसी तल पर क्या करती है, गति करती है। जब कोई वस्तु किसी तल पर क्या करती है, गति करती है, तो उस वस्तु और संपर्क तल के बीच एक बल कार्य करने लगता है जो उस वस्तु की सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है। क्या कहा हमने, सापेक्ष गति, दोनों की गति पर निर्भर करेगा, संपर्क तल और वस्तु की तल, ना कि अकेला। हमने वर्ड कहा गति का, सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करें परिभाषा, जब कोई वस्तु किसी समतल तल पर या किसी तल पर संपर्क तल पर क्या करती है, गति करती है, क्या करे, गति करे, तो उस वस्तु के सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। तो घर्षण बल के बारे में एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, जब कोई वस्तु किसी संपर्क तल पर क्या करती है, गति करती है, तो वस्तु के तल और संपर्क तल के बीच एक बल कार्य करने लगता है जो वस्तु की सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल जो है फिसलने का विरोध करता है, अर्थात गति का नहीं, उसके फिसलने का क्या करेगा, विरोध करेगा, उसे हम घर्षण बल कहेंगे। घर्षण बल एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय बल है। कौन सा बल है, विद्युत चुंबकीय बल है, ध्यान रखेंगे। घर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल है और इसकी दिशा वस्तु की सापेक्ष गति के क्या होती है, विपरीत होती है। इसकी दिशा वस्तु की सापेक्ष गति के क्या होती है, यानी वस्तु इधर को खिसक रही है तो घर्षण बल इस तरफ को होगा, वस्तु इस तरफ को खिसकेगी तो घर्षण बल इधर। घर्षण बल के प्रकार की बात करें, सीधी सी बात, वस्तु की सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को हम क्या कहेंगे, घर्षण बल कहेंगे। घर्षण बल के प्रकार, तो घर्षण बल तीन प्रकार का होता है, गति के आधार पर, गति के आधार पर घर्षण बल के प्रकार कितने हो गए, तीन। नंबर फर्स्ट, स्थैतिक, घर्षण बल, इंग्लिश में कहेंगे स्टैटिकल फ्रैक्शन फोर्स, स्टैटिकल फ्रैक्शन फोर्स। दूसरा होगा सीमान, मीन्स लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स, सीमांत मीन्स लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स। और तीसरा होगा गतिक घर्षण बल, पहला क्या हुआ स्थैतिक, यानी वस्तु स्थिर अवस्था में हो, सीमांत माने वस्तु की अवस्था का परिवर्तन होने ही वाला हो, तीसरा गतिक मीन्स काइनेटिक फ्रैक्शन फोर्स, यानी वस्तु क्या कर रही हो, गति कर रही हो, तब जो घर्षण बल होगा उसे हम क्या कहेंगे, गतिक घर्षण बल। तो हम अब पहले सबसे पहले जानते हैं किस घर्षण बल के बारे में, स्थैतिक
स्टैटिकल फ्रैक्शन फोर्स, स्थैतिक घर्षण बल क्या है इसको समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं स्थैतिक घर्षण बल से। हम जानते हैं कोई वस्तु किसी तल पर रखी है, यह एक तल है, इस तल पर एक वस्तु रखी है कोई एम द्रव्यमान, इसका भार एम जी कहां को काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा। भार एम जी कहां को काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा, जबकि इसकी प्रतिक्रिया जिसे हम रिएक्शन बोलते हैं वो कहां की ओर काम करेगी, ऊपर की ओर कार्य करेगी। माना कि कोई वस्तु है एम द्रव्यमान की वस्तु है, किसी तल पर रखी हुई है, ये इस तल पर क्या है रखी हुई है, जब ये इस पर रखी हुई है तो इसका भार एम जी कहां को काम कर रहा है, नीचे की ओर काम कर रहा है। प्रतिक्रिया एन कहां को काम करेगी, ऊपर की ओर काम करेगी। अगर हम इस वस्तु पर दाईं ओर को कोई बल लगा दें, कहां को बल लगा दें इस वस्तु पर, यही वस्तु थी जो एम द्रव्यमान की, जिसका भार कहां को काम कर रहा था, नीचे की ओर। हमने इस पर दाईं ओर को थोड़ा सा बल लगा दिया, वस्तु पर बल इस तरह से लगाया वस्तु खिसक नहीं रही है, बस वस्तु पर दाईं ओर को थोड़ा सा क्या कर दिया, बल लगा दिया हमने दाईं ओर को, क्या किया बल। तो हमने एक चीज पाई कि इसकी जो प्रतिक्रिया थी वो बाईं ओर को क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। कंफर्म बात, यह कोण हमने क्या कह दिया, थीटा एस कह दिया। क्या कहा, फिर से रिपीट करें, इस स्थैतिक घर्षण बल को समझने का प्रयास करते हैं हम। हमने कहा किसी तल पर एक वस्तु रखी थी एम द्रव्यमान की, तो इसका भार एम जी नीचे को काम करेगा, इस पर नॉर्मल अभिलंबवत प्रतिक्रिया एन मींस अभिलंबवत प्रतिक्रिया, एम मींस भार, अभिलंबवत प्रतिक्रिया ऊपर को। दाईं ओर को थोड़ा सा बल लगाया वस्तु गति नहीं कर रही है, जैसे ही दाईं ओर को बल लगाया प्रतिक्रिया एन कहां को झुकेगी, बाईं ओर को, बस आगे को चलती है, हम कहां को जाते हैं पीछे की ओर। कंफर्म, बल लगा आगे की ओर, हम कहां को गए पीछे, यानी हमारे ऊपर जो रिएक्शन थी वो अपोजिट में जाएगी जहां को हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो प्रतिक्रिया कहां को गई, एन। इस प्रतिक्रिया के दो घटक टूटेंगे, एक एन कॉस थीटा, एक इधर हम डाल लें, इधर को टूटेगा, इसे कहेंगे एन साइन थीटा, इसी को हम स्थैतिक जो तो आर कहलाएगी रिएक्शन। आर कहा, एक घटक आर टूटा, एक एफ एस, एफ एस जो है वो इस बल का यानी इसकी सापेक्ष जो गति होगी उसका विरोध करने वाला बल है, इसी बल को हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं लेकिन वस्तु गति नहीं करती है, स्थिर अवस्था में रहती है, तो उस पर संपर्क तल और वस्तु के तल के बीच एक बाह्य बल के विपरीत में एक बल कार्य करने लगता है, इस बाह्य बल को घर्षण बल कहते हैं। कौन सा घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। कन्फर्म इतनी बात, फिर से रिपीट करें, जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाता है लेकिन वस्तु गति नहीं करती है, तो उस वस्तु पर संपर्क तल के समांतर क्षैतिज में बाह्य बल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करने लगता है, इस घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। स्थैतिक घर्षण बल के बारे में हम थोड़ी सी बात और जान लें कि यह स्थिर अवस्था में ही क्या कर रहा है, कार्य, यानी जब वस्तु स्थिर अवस्था में तो उसकी सापेक्ष गति, गति तो है ही नहीं, मीन्स बाह्य बल की का विरोध करने वाले बल को ही क्या कहेंगे हम, स्थैतिक घर्षण बल कहेंगे। कन्फर्म इतनी बात, स्थैतिक घर्षण बल जान गए, इसे भी जान लें, स्थैतिक घर्षण बल जो है वो बाह्य बल के विपरीत दिशा में होगा, तल के समांतर होगा। दूसरी बात, स्थैतिक घर्षण बल, इस लाइन को ध्यान रखेंगे, स्थैतिक घर्षण बल स्वतः समायोज है। इस लाइन का क्या मतलब है, सेल्फ एडजस्टमेंट, अपने आप एडजस्ट कर लेगा, जितना बाह्य बल लगाओगे उतना ही घर्षण बल हो जाएगा, यानी F बराबर एफ एस।
अगर यह बल नहीं लगेगा तो घर्षण बल भी नहीं होगा। यह बल 40 न्यूटन होगा तो घर्षण बल भी, स्थैतिक घर्षण बल भी कितने न्यूटन होगा? 40 न्यूटन होगा। ध्यान रखेंगे, स्थैतिक घर्षण बल जो क्या होता है? स्वतः समायोज्य होता है। स्थैतिक घर्षण बल कैसा होता है? स्वतः समायोज्य होता है। सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध करता है। इसकी दिशा बाह्य बल की कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में होती है। यह स्वयं स्थैतिक घर्षण बल स्वयं गति उत्पन्न नहीं कर सकता। यह बल गति कर सकता लेकिन यह बल गति नहीं, घर्षण बल कभी भी गति उत्पन्न नहीं कर सकता। ध्यान रखेंगे, इसे हम बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। क्या कहा, एक बार फिर से रिपीट करें। हम जानते हैं एम द्रव्यमान की वस्तु किसी तल पर रखी, इसका भार एम जी नीचे को, प्रतिक्रिया विलंबित प्रतिक्रिया ऊपर को काम करती है। इसको हम दाईं ओर को थोड़ा सा बल लगाते हैं तो प्रतिक्रिया बाईं ओर पर कुछ कोण पर झुक जाती है। इसकी प्रतिक्रिया एन के दो घटक टूटेंगे, अभिलंबवत प्रतिक्रिया आर और तल के समांतर प्रतिक्रिया एन कोसाइन थीटा, मींस घर्षण बल। यह जो बल है जे वाला, जो क्या करता है, ये तो भार से संतुलित हो जाएगा। यह वाला बल बाह्य बल का क्या करेगा? विरोध करेगा। इसी बल को हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल स्वतः समायोज्य होता है। जितना ज्यादा बल बढ़ाते जाओगे घर्षण बल का मान बढ़ता जाएगा। बल नहीं होगा, घर्षण बल नहीं होगा, यानी यह वस्तु सापेक्ष गति का, यह बल सापेक्ष गति का क्या कर रही है? विरोध कर रही है और इस यह वस्तु में गति उत्पन्न नहीं कर सकती। दूसरे पे आए, कौन सा है? सीमांत घर्षण बल, मींस लिमिटिंग। ये था स्थैतिक घर्षण बल, अब कौन सा आया? सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल की बात करें तो सीमांत घर्षण बल क्या है, इसी को समझे पहले। सीमांत घर्षण बल, अगर हम इस बाह्य बल का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि वस्तु क्या करने वाली होती है? गति करने ही वाली होती है। गति नहीं कर रही, गति करने वाली है। क्या कहा हमने? यदि वस्तु पर, ये वस्तु रखी थी, इस वस्तु पर किसका मान बढ़ाते जाएं? बाह्य बल का मान क्या करते जाएं? बढ़ाते जाएं। बाह्य बल का मान बढ़ा दें और इतना बढ़ा दें, अधिकतम कर दें कि वस्तु क्या करने वाली है? गति करने वाली है। गति नहीं कर रही, गति की थोड़ा ही सा बल बढ़ा देंगे, वस्तु क्या कर जाएगी? गति कर जाएगी। यदि हम इस वस्तु पर बाह्य बल दाईं ओर को लगने वाले बल का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि वस्तु क्या करने वाली होती है? गति। इसका भार एम जी कहाँ को काम कर रहा था? नीचे को। तो ऐसी स्थिति में इसका जो प्रतिक्रिया वो अधिकतम झुक जाएगी, मैक्सिमम झुक गई। इस समय इस पर दो घटक टूट रहे, एक तो ये टूटा इसे हमने आर वर्ड कहा, एक यह टूटा जिसे हमने अधिकतम घर्षण बल एफ एक्स मैक्स कहेंगे। और इस समय जो घर्षण बल होगा वो सीमांत घर्षण बल कहलाएगा। क्या कहा? यदि वस्तु पर दाईं ओर का बल का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि वस्तु क्या करने ही वाली होती है? गति करने ही वाली होती है। ऐसी स्थिति में इसकी जो प्रतिक्रिया एन थी वो अधिकतम झुक जाती है। क्या झुक जाती है? अधिकतम थीटा एस। इस समय इसका घर्षण बल जो होता है मींस अधिकतम होता है, मींस संपर्क तल वस्तु के बीच जो घर्षण बल काम करता है, जो इसकी सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध। उस अधिकतम घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहती है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, जब वस्तु पर दाईं ओर को लगने वाले बाह्य बल का मान क्या करते जाते हैं? बढ़ाते जाते हैं, तो वस्तु की प्रतिक्रिया बाईं ओर को झुकती जाती है। जब यह बल इतना ज्यादा हो जाता है कि वस्तु क्या करने ही वाली हो? गति करने ही वाली हो, तो ऐसी स्थिति में इसकी प्रतिक्रिया अधिकतम झुक जाती है ऊर्ध्व से। इस समय इसकी प्रतिक्रिया का जो क्षैतिज घटक होता है उसका मान अधिकतम होता है, वो उस वस्तु की सापेक्ष गति का क्या करता है? विरोध करता है। इस अवस्था में जो घर्षण बल होगा उसे सीमांत घर्षण बल कहेंगे। सीधी सी बात है, जब वस्तु गति करने ही वाली हो तो इस समय अधिकतम घर्षण बल को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल के नियम, नियम जाने इसके क्या नियम होंगे? इसका नियम सीधा सा है, स्वतः समायोज्य है। जितना बाह्य बल लगेगा उतना है। इसके नियम के बाद नंबर फर्स्ट,
यह संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, इस पर निर्भर नहीं करता क्या संपर्क तल, क्या कहा एफ एस मैक्स, संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखेंगे कम क्षेत्रफल संपर्क में हो चाहे ज्यादा, इस बात पर निर्भर नहीं करता। किस बात पर निर्भर करता है, एफ एक्स मैक्स तल के चिकनेपन एवं खुरदुरेपन निर्भर करता है, यानी तल चिकना है या खुरदुरा है इस बात पर निर्भर करेगा। तीसरी बात, सीमांत घर्षण बल एफ एक्स में प्रतिक्रिया आर के क्या होता है, समानुपाती होता है, इस रिएक्शन के समानुपाती, जितना ज्यादा होगा आर उतना ही ज्यादा होगा। तो क्या हुई बात, एफ एक्स मैक्स बराबर म्यू एस इंटू आर, जहां म्यू एस को सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं, सीमांत घर्षण गुणांक कहेंगे। अगर सीमांत घर्षण गुणांक की परिभाषा कभी देनी हो तो एफ एस मैक्स अपॉन आर, परिभाषा क्या बन गई, दिस इज कॉल्ड टेन थीटा एस। कैसे मालूम, टेन थीटा बराबर ये बटे ये कितना है एफ एक्स मैक्स, टेन थीटा लंब बटे आधा, लंब जो हो गया त्रिभुज का आधा जो हो गया, तो ये एफ एक्स मैक्स हो गया, ये आर हो गया, तो टेन म्यू एक्स बराबर टेन थीटा एस होता है। सीमांत घर्षण गुणांक की परिभाषा देनी चाहे, सीमांत घर्षण बल तथा लंबवत प्रतिक्रिया के अनुपात को सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं। अगर घर्षण कोण की परिभाषा पूछी जाए, प्रतिक्रिया एन ऊर्ध अभिलंबवत प्रतिक्रिया से जितना कोण बनाती है उसे घर्षण कोण कहते हैं। क्या कहा, सीमांत अवस्था में प्रतिक्रिया एन अभिलंबवत प्रतिक्रिया से जितने कोण पर झुक जाती है उसको हम घर्षण कोण कहते हैं। अगर घर्षण कोण पूछा जाए तो ये घर्षण कोण है, और सीमांत घर्षण गुणांक की परिभाषा, तो अधिकतम यानी सीमांत घर्षण बल तथा लंबवत प्रतिक्रिया के अनुपात को सीमांत घर्षण गुणांक कहते हैं। और चौथी बात, एफ एक्स मैक्स सापेक्ष गति के विपरीत होता है। ध्यान रखेंगे जो नियम लिखे हैं, सिंपल सी बात, सीमांत घर्षण बल के बारे में बताया, जब कोई वस्तु पर दाईं ओर को लगने वाले बाह्य बल का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि वस्तु क्या करने वाली होती है, गति करने वाली होती है, तो इस समय घर्षण बल का मान अधिकतम होता है, इस अधिकतम घर्षण बल को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल निम्नलिखित संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, निर्भर करता है चिकनेपन एवं खुरदुरेपन पर। सीमांत घर्षण बल लंबवत प्रतिक्रिया आर के समानुपाती होता है, और इसकी दिशा एफ एक्स की दिशा एफ बल के विपरीत यानी सापेक्ष गति के क्या होती है, विपरीत होती है। अब तीसरा आता है अपना कौन सा, गतिक घर्षण बल, यानी वस्तु जब गति करने लगे तो उस समय घर्षण बल का मान क्या हो जाता है, सीमांत घर्षण से कम हो जाता है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, जब वस्तु पर पहला पैडल सबसे ज्यादा कठिनाई से लगता है, जब साइकिल चलने लगती है तो फिर धीरे धीरे बल का मान हमारा कम हो जाता है। शुरुआत में सबसे ज्यादा जब तक उसकी अवस्था परिवर्तन करनी है उसी समय हमें पर बाह्य बल क्या लगाना पड़ा ज्यादा, जब वस्तु गति करने लगती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल का मान गतिक घर्षण बल कहलाता है, जो कि सीमांत घर्षण बल से क्या होता है, कम। यह तल है, जो वस्तु थी इसका भार mg नीचे को काम कर रहा था, प्रतिक्रिया कहाँ को, कुछ इधर को झुकी थी, जो ज्यादा झुकी थी ये कुछ कम हो गई, इस समय यह कोण को थीटा k कहा। इसका एक तो घटक यह टूटा आर कहा, एक घटक यह टूटा एफ के कहा। इस समय इसे गतिक घर्षण बल कहते हैं।
जब वस्तु गति, बाह्य बल लगा रहे थे हम, बाह्य बल लगाया, वस्तु क्या करने लगी, गति करने लगी, तो गति के समय जो घर्षण बल होता है उसे गतिक घर्षण बल कहते हैं। अब गतिक घर्षण बल के नियम, नियम वही हैं, सबसे पहला वही संपर्क तल के क्षेत्रफल एफ के जो होता है, संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखेंगे, संपर्क तल के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। दूसरी बात, यही गतिक घर्षण बल किस पर निर्भर करता है, तल के चिकनेपन एवं खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। ध्यान रखेंगे, तीसरी बात, एफ के समानुपाती, एफ के समानुपाती प्रतिक्रिया आर, तो एफ के बराबर म्यू के इंटू आर, जहां म्यू के को क्या कहते हैं, गतिक घर्षण गुणांक, ठीक है, म्यू के बराबर क्या हो जाएगा, एफ के अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। और चौथी बात, इसकी दिशा सापेक्ष गति के विपरीत होती है, अब गतिक घर्षण जो बना वो दो प्रकार का होता है, सर्पीय घर्षण बल, सर्पी, कौन सा सर्पी, जब वस्तु तल पर खिसके स्लिप हो तो उस समय जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, सर्पी घर्षण बल, जिसे स्लाइड करे मींस खिसक रही हो, स्लाइडिंग फ्रैक्शनल फोर्स। गतिक घर्षण बल दो प्रकार के हो गए, एक सर्पी घर्षण बल और दूसरा क्या होगा, लोटनीय घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल जिसमें वस्तु जब किसी तल पर खिसक रही हो तो जो गतिक घर्षण बल होता है उसे सर्पीय घर्षण बल कहते हैं, और अगर वस्तु लुढ़क रही हो, पहिया लुढ़क रहा है, तो उसके तल और वस्तु के संपर्क तल के बीच जो घर्षण बल होता है उसे लोटनीय घर्षण बल कहते हैं। कन्फर्म इतनी बात, इसे आप तैयार करें, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक है, कंपटीशन में जाएंगे, बल वाले जो चैप्टर हैं, घर्षण बल वाले, घूर्णन गति वाले जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। वीडियो को क्रम से देखें, पूरा देखें, अपने भविष्य को जरूर निखारें, अपने प्रति ईमानदार बने, ठीक है। क्रम से देखने के लिए मालूम है आपको, ऊपर आई बटन है, उसे क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट खुल जाएगी, उस प्लेलिस्ट को पूरा देखते जाएं क्रम से। नोट्स नीचे दिए हैं, वहां से आप क्या करें, पासवर्ड इसमें वीडियो में बीच में ही दिखाया गया है कहीं, पूरा वीडियो देखने पर मिलेगा। बार बार आप पूछते हैं पासवर्ड नहीं है, जब आप वीडियो देखेंगे नोट्स का पासवर्ड बीच में मिलेगा, जब वह पासवर्ड मिलेगा उस पासवर्ड को नोट कर लें, नोट्स पर डालें, आपको नोट्स खुल जाएंगे, उनका प्रिंट निकाल लें, उनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसे पढ़ते जाएं, तैयार करें, धीरे धीरे बढ़ोगे, निश्चित ही तरक्की होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, आनत तल पर घर्षण जानेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।